नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन पोको F3 GT स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप पोको बहुत ही जल्द अपना नया स्मार्टफोन पोको F3 GT स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि दोस्तों रेडमी के 40 गेम एनहेंस एडिशन का रीब्रांड वर्जन होगा, जिसमें दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, पावरफुल बैटरी और बेहतरीन कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे पोको के इसी अपकमिंग स्मार्टफोन पोको F3 GT स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों साथ में बताऊंगा कि स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और ये फोन किस प्राइस पॉइंट पर और इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस अपकमिंग पोको F3 GT स्मार्टफोन के इस विषय के बारे में। और दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस पोको F3 GT स्मार्टफोन में आपको एक 6.6 इंच का फुल HD प्लस 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। यानी कि दोस्तों इस अपकमिंग पोको F3 GT स्मार्टफोन में आपको काफ़ी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें इस पोको F3 GT स्मार्टफोन के रियर पैनल पर मिलने वाले कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों इस फोन के पीछे की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और दोस्तों उसी के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है, जहां दोस्तों आप इस फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से फुल HD तक वीडियोग्राफी कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इस फोन में आपको ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 MT6893 SoC प्रोसेसर के साथ में आएगा। और दोस्तों ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर रन करेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं और आप गेम खेलने का शौक रखते हैं, तो दोस्तों इस फोन में आपको अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। रैम और स्टोरेज के लिए दोस्तों इस फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जिसके एक वेरिएंट में 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि दोस्तों इस फोन के हायर वेरिएंट में आपको 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस अपकमिंग पोको F3 GT स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप की। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5065 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 67W फास्ट चार्जर के साथ में आएगा। यानी कि दोस्तों इस अपकमिंग पोको F3 GT स्मार्टफोन में आपको काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जो आपका काफ़ी लंबे समय तक साथ निभाएगी। यानी कि दोस्तों इस फोन में आपको बैटरी पावर बैकअप के मामले में किसी भी तरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल 4G वोल्टी FM रेडियो, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पोको F3 GT स्मार्टफोन को इंडिया में कब और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा है कि इस फोन के इंडिया में लॉन्च होने के बारे में ऑफिशियल तौर पर तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि पोको स्मार्टफोन को इंडिया में इस महीने के लास्ट में लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों आपको इस फोन की शुरुआती कीमत 25,000 से ऊपर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि पोको स्मार्टफोन को इंडिया में कब और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करती है, ये तो दोस्तों इस फोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह की लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।